नमस्ते, क्या आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? मैं हूँ बहुत जल्दी, और जैसा कि सब लोग मेरे बारे में भी जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, 7 महीने से एक अनसुलझी उलझी सी पहेली आप लोगों के सामने चल रही है। तो मैं आप लोगों को बताने आने वाली हूँ, परली रविवार 12 बजे मेरे पति के घर पे, वहीं पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली हूँ। और जो भी सच्चाइयाँ हैं, मैं पहली पत्नी हूँ कि पांचवी पत्नी हूँ कि छठी पत्नी हूँ कि बेटी की उम्र की हूँ, ये सब बातें मैं बताने वाली हूँ। अभी तक मुझे बहुत धमकाया जा रहा है, मेरे पास कई चीज़ें और भी लगी है मेरे हाथ, तो मैंने सोचा कि मैं FB पे डालूँ। तो मुझे एक 2 कौड़ी की लड़की मेरे पति के बेटी की उम्र की मेरे को फ़ोन करके बोलती है कि यदि तुमने डाला तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं तुम पे ये केस कर दूँगी। तो मैं उस लड़की को ये बोल देना चाहती हूँ कि मैं कोई किसी से डरती नहीं हूँ, किसी भी 2 कौड़ी की लड़की से नहीं डरती हूँ, और वो भी जो अपने बाप के उम्र की आदमी के साथ जो गलत काम करती है, उस लड़की से तो मैं कभी भी नहीं डरूंगी, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, 25 साल मैंने अपने पति को दिए हैं, और ऐसी लड़कियों से तो मैं बिल्कुल नहीं डरना चाहती हूँ। और वो भी आज आप खुद सोचिए कि एक लड़की जो बेटी की उम्र की है, तो वो कोई किसी से प्यार तो नहीं करेगी, वो किसी और से प्यार करती है, ये उसके पीछे पैसे देके लगा हुआ है। जनता का पैसा किस तरीके से मिसयूज़ होता है, जनता का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या आज हमारा देश जो सोने की चिड़िया था, आज क्यों भिखारी बन गया है? क्योंकि मुट्ठी भर लोग उनको इन लड़कियों पे लुटा रहे हैं। और ये लड़कियाँ अच्छी अच्छी औरतों का घर, ठीक है मैंने एक औरत बर्दाश्त कर ली, बाकी हर बार में ये इतना सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ 25 सालों में? मेरी माँ की मौत कैसे हुई, मेरी बहन के साथ क्या हुआ, ये हर चीज़ का खुलासा। और अभी मैं CBI में भी जाने वाली हूँ कि जो भी मैटर है सारे निकलें, मेरे हस्बैंड के कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट और जितनी भी लोग हैं उनके सबके व्हाट्सएप चैट निकलें और पब्लिक हों वो। और यदि CBI भी ये नहीं जुटा पाई तो मैं दूंगी, और मैं रविवार को भी 12 बजे मीडिया को देने वाली हूँ काफ़ी सारा मटेरियल, मीडिया चलाए उस पर, क्योंकि मैं तो इतनी पावरफुल नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरे मतलब कि मैं वो मीडिया पर डाल सकूँ, मेरे को धमकियाँ आ रही हैं, ये आ रही हैं, तो ठीक है मैं मीडिया को दूंगी, मीडिया डाले। और वैसे भी रविवार को 12 बजे मैं लाइव भी आऊँगी, तो जो लोग लाइव पे देखना चाहें लाइव पे भी देख सकते हैं मुझे। और मैं मेरे सभी पत्रकार भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वहाँ पर पहुँचें, और जो भी है आप उसको दिखाएं जनता को कि औरतों की क्या दुर्दशा हो रही है। आज 25 साल बाद इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है, मेरे बच्चों को मेरे अगेंस्ट किया गया, उनको रखा गया इतने दिन बंदी बना के, अरे राक्षस जैसा पाखंडी से पाखंडी, नीच से नीच व्यक्ति भी इस तरीके से नहीं करेगा। मुंडे सबके फेंके हुए टुकड़े खा खा के पलने वाले लोग आज उन्हीं की बेटियों को पीछे कर रहे हैं, पंकजा ताई के साथ भी क्या क्या षड्यंत्र करे जा रहे हैं ये सब मैं मीडिया पे बोलने वाली हूँ। मुंडे साहब के साथ भी क्या क्या षड्यंत्र हुए वो भी मैं सब लोगों को बताऊंगी। इसलिए कहते हैं, मेरी माँ एक बात कहती थी, कुत्ता पाल पर धोखेबाज और गंदे लोगों को मत पाल, ये मेरी माँ बोलती थी, और फिर भी मैंने नहीं माना और मैं आज भुगत रही हूँ। और आज मेरी इतनी बुरी दुर्दशा करने वाले ये समझ ले, मैं ये मैं खुलेआम चेतावनी दे रही हूँ, तू मेरे को जितनी धमकियाँ दिलवा रहा है ना, मेरे गांव आई तो ये हो जाएगा, मेरे गांव आई तो वो हो जाएगा, मैं किसी धमकी से नहीं डरने वाली हूँ, मैं किसी से नहीं डरने वाली हूँ। वैसे ही तूने मेरे को जिंदा लाश की तरह कर रखा है, जिंदा लाश, मैं राशि भी नहीं हूँ जो थोड़ी सी राजनीति 25,000 की साड़ी पहनने के लिए और बड़े बड़े ये सोने के जेवर पहनने के लिए कुछ भी बर्दाश्त करूँगी तेरा, मैं राजश्री नहीं हूँ। मेरे पति इसके पहले अपोजिशन लीडर थे, जैसे कि मेरे हस्बैंड 10 लोगों को बोलते फिर रहे हैं कि मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ ये वो, ठीक है ना, मैं पूरा रिकॉर्ड दूंगी पूरा एक एक। और जैसे भी मेरा पैन कार्ड नंबर है 04MKRPM0405A, ये मेरा पैन कार्ड है, हर व्यक्ति पता कर सकता है कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना क्या है, क्या है। और बाकी की सारी बातें मैं रविवार को 12 बजे सारे सबूतों के साथ रखूंगी मीडिया पे,
और सब कुछ रखूंगी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली हूँ मेरे ससुराल जाके, जो होना है वही हो, मेरा पति मुझे वहाँ जिंदा जला दे, जिंदा जला दे वो मेरे बच्चों के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ आ रही हूँ, जलाना है ना जला दे, तेरी कितनी ताकत है मैं देखती हूँ। और पंकजा कितना षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं आज मैं पंकजा दाई को बोलती हूँ, कभी मैंने आज तक इसे बोला नहीं है, पर आज मैं बोलती हूँ कि 2024 के चुनाव में मैं आपका सपोर्ट करूँगी और मैं आपके पीछे रहूँगी, क्योंकि एक औरत को नहीं कितनी औरतों को इस तरीके से पीछे खींचा जा रहा है। ऐसे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत से नेताओं की बहुत सी चीज़ें बता रखी है, सबकी, अजीत दादा की क्या, किसकी क्या, किसकी बता रखी है, पर मेरे को उसमें नहीं जाना है, क्योंकि पंकजा ताई मेरी ननन लगती हैं मेरे परिवार, इसलिए मैं उनका तो बोल ही सकती हूँ। और मैं 25 साल से अपने घर में देख रही हूँ कि यह आदमी कितना षड्यंत्रकारी है। रविवार को 12 बजे आ रही हूँ, मेरी मेरे पत्रकार भाइयों से विनती है, आप लोग धन्यवाद, और मैं प्रेस नोट भी आप